ड्यूरेबल। सो ये है आपकी महाराष्ट्र बोर्ड की 12th की टेक्स्ट बुक। सो अब आपके महाराष्ट्र बोर्ड जो है 2023 के जो एस्पिरेंट है जो महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ कि अब इन लास्ट दिनों में आपको आपकी बायोलॉजी को कैसे प्रिपेयर करना है, हाउ टू प्रिपेयर बायोलॉजी, कि आप मैक्स टू मैक्स जो मार्क्स है वो स्कोर कर पाओ। तो देखिए एक होता है ना कि आपने साल भर मेहनत की और एंडिंग में एक दो दिन आपने नहीं पढ़ा तो भी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि साल भर मेहनत की है। और ऐसे होता है ना कि अगर आपने साल भर मेहनत नहीं की और एंडिंग के भी एक दो दिनों में अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मैं ये कर लूँ वो कर लूँ तो भी ज़्यादा कुछ दिमाग में जाने वाला नहीं है। तो एटलीस्ट आपका बेसिक तो क्लियर होना चाहिए। आपको थोड़ी सी चीज़ें मतलब अगर आपने लेक्चर भी अटेंड किए हैं तो अगर आपने क्लास नहीं लगाया आपने कॉलेज के ही लेक्चर अटेंड किए होंगे तो कॉलेज के लेक्चर में भी टीचर ने कुछ कहा होगा तो बैक ऑफ द माइंड चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपने कुछ भी ढंग से नहीं पढ़ा तो बहुत डिफिकल्ट है अच्छा मार्क्स स्कोर करना, पासिंग का ही आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छे से थोड़ा सा भी सुना भी होगा तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और आपको बेसिक भी नॉलेज है थोड़ा सा कि इस चैप्टर के अंदर ना मतलब पता है आपको हर जो चैप्टर होता है उसके अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और वहीं से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। सो मैं IMP क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ हर चैप्टर के बेसिस पर। मैं खुद मतलब अपने हाथ से वो चीज़ें लिखूंगी, ठीक है, तो वो मेरे हैंड रिटन नोट्स होगी कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, अगर आपने वो अच्छे से देख लिया उतने ही टॉपिक अच्छे से कर लिए सो गारंटीड मैं कहती हूँ कि आपका बायो का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और मतलब आपका ये चैप्टर से बायोलॉजी के अंदर आपको जो भी चैप्टर्स दिए हैं आपके महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक के अंदर बेसिकली ऐसे लगता है आपको कि एक चैप्टर है लेकिन एक में आपको इंसान ऐसा कहता है ना आपको ऐसे नहीं आपको ना ऐसे खिलाया हुआ है तो ऐसा लगता है देखने के लिए कि वो एक चैप्टर है बट एटलीस्ट वो दो चैप्टर है, ठीक है। तो दो चैप्टर का मिक्सचर करके आपके प्लेट में ऐसे परोसा है कि लो बच्चों लो खाओ खाओ। तो लेकिन हर चैप्टर के अंदर मैंने कहा ना कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स होते हैं हाईलाइट किए हुए वही से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। और जो MCQ होते हैं MCQ सॉल्व करने के लिए आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि MCQ ना बेसिक से ही ऊपर आते हैं। एंड आपको पढ़ना कैसा है बेसिकली, अगर आपको इस टेक्स्ट बुक को आप चाहते हो कि आप इसे पढ़ो तो आपको कैसे पढ़ना है बेसिक क्या करो, हर एक चैप्टर में आप इसे पेज पढ़ लो, देखो पेज कितने हैं, बस देख लो एक नज़र मारो, अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे है, अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे है, नज़र मार ली उसके बाद जो एकदम यू नो डार्क वर्ड किए होते हैं ना डार्क वर्ड, उस डार्क वर्ड को आपको पकड़ना है, वहाँ से MCQ फ्रेम हो सकता है, वहाँ से MCQ फ्रेम होगा, वहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन फ्रेम होंगे, ठीक है। सो जो डार्क वर्ड होता है ना उसे आपको पकड़ना है, उस डार्क वर्ड को आपको पकड़ना है। और कुछ वर्ड्स होते हैं ना कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो ऐसे दिए होते हैं टेढ़े करके वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो उसे भी आपको पढ़कर ही जाना है। तो मैं यही कहूँगी कि किसी भी चैप्टर को आप स्किप मत करो, ठीक है। अगर आपने पहले से भी थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा है तो लोगों को इवोल्यूशन बहुत डिफिकल्ट लगता है, हाई इवोल्यूशन बट इवोल्यूशन चैप्टर भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप होमोलोगस ऑर्गन एनोलोगस ऑर्गन उनके जो एग्जाम्पल है वो कर लो, उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो कर लो, थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। तो आपको मतलब एटलीस्ट क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है होमोलोगस ऑर्गन एनोलोगस ऑर्गन इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें कर लो, होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल क्या है और उसके अंदर कैसे मतलब और कौन सा मतलब क्या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है, तो होमोलोगस ऑर्गन के अंदर कौन सा इवोल्यूशन होगा। सो मैंने कैसे याद किया है, टीवी होती है ना घर के अंदर HD TV आती है HD TV, सो HD होमोलोगस ऑर्गन का मतलब होमोलोगस ऑर्गन के अंदर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एनोलोगस ऑर्गन के अंदर घर में AC भी लगाते हैं सो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सो HD और AC जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है वो होमोलोगस ऑर्गन में होगा और जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है वो एनोलोगस ऑर्गन में होगा। अब इसके मीनिंग में भी अगर आपको डेफिनेशन पता होगी ना तो भी आप बता सकते हो कि इसके अंदर कौन सा इवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये बेसिक पॉइंट्स करने हैं। अब लास्ट के दिन बचे हैं कैसे पढ़े। सो देयर इज अ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप बस और अब आपको क्या करना है, सिर्फ अपने नोट्स को रिवाइज करना है जो भी आपके टीचर्स ने आपको प्रोवाइड किए हैं, जो भी आपने खुद अपने हाथों से लिखे हैं उस नोट्स को प्रोवाइड करो, मतलब उस नोट को रिवाइज करो जो आपको प्रोवाइड किए गए थे। उसके बाद क्या करना है आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी है, आप टेक्स्ट बुक पढ़ो, ठीक है। आप ज़्यादा वीडियो देख लेते ये कर लेते वो कर लेते उसके पीछे मतलब इतना भी मत पढ़ो, थोड़ा सा देख लो और वन शॉट टाइप के देख लो, क्योंकि क्या होता है ना कि खुद से पढ़ने बैठे के 3 घंटे जा रहे 4 घंटे जा रहे, अगर आप कोई वन शॉट देख रहे हो तो क्या हो जाता है ना कि स्पीड बढ़ाकर देखो, ठीक है। अगर आपका टॉपिक और नॉलेज अच्छा खासा है तो जल्दी जल्दी से स्पीड बढ़ाकर फटाफट देख लो और पढ़ने के लिए बैठो। टेक्स्ट बुक साथ में रखो, फोन को एयरप्लेन मोड पर, क्योंकि तो नेट नहीं ऑन होगा,
तो कुछ वीडियोस जो आपको लग रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं तो उसे डाउनलोड कर लो, एयरप्लेन मोड पे डाल दो और सिर्फ पढ़ो, आपकी टेक्स्ट बुक आपके सामने होनी चाहिए। तो यही करना है आपको, क्योंकि लास्ट दिनों में अब आप क्या ही करोगे, ठीक है। तो अगर कोई वन शॉट है तो वन शॉट देख के फटाफट उसे क्लियर करो। तो इस आपको इसे पढ़ना कैसे है, तो इसके अंदर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड करूँगी। ऐसे ही मैं आपको बता दूंगी कि देखिए, क्योंकि लिखने से टाइम जाएगा तो मोस्टली मैं ऐसे ही बता दूंगी कि देखिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसे मार्क कर लो, और ये पेज नंबर है इसे मार्क कर लो। तो जब आप मेरा वीडियो देखोगे तो आपको आपकी टेक्स्ट बुक ओपन करके रखनी है, हाथ में एक पेन रखना है। सो एवरीडे वीडियोज आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद बायो कॉन्सेप्ट नीट यूट्यूब चैनल।